नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। मेरा नाम पार्थ है। आज का जो पॉडकास्ट है या आज का जो वीडियो है, उसमें हम देखेंगे कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी जो पहला स्तर है वो क्या है स्पिरिचुअलिटी का। और आप लोग को जान के शायद इस चीज का बुरा लगेगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। हो सकता है आपको बुरा लग जाए, क्योंकि जितने भी यूट्यूब गुरुज हैं वो इस स्तर के ऊपर बात नहीं करते, वो डायरेक्ट कोई दूसरे स्तर पर बात करते हैं। और इसी स्तर पर हम आज इस पे विचार विमर्श करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आज से कुछ 8 साल पहले की बात है, जब मैंने अपने अध्यात्म की जर्नी जो है उसका आरंभ किया, यानी अध्यात्म की जो यात्रा थी उसको आरंभ किया। उससे पहले मुझे एहसास हो चुका था कि संसार में सुख नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति को दोस्तों संसार में सुख है ऐसा प्रतीत होता रहता है, तब तक वो ये सोचता है कि यहां सुख नहीं है, वहां सुख है। तो उसको अगर आप बताते भी हो कि भगवत गीता में ही लिखा है, उपनिषद में ही लिखा हुआ है कि ऐसे सुख को पाना होता है, सुखों की जो जो सुखों का जो दुखों का जो खात्मा करना है वो उसको करने का कुछ नियम कानून है जो उपनिषद में लिखे हुए हैं, तो होगा क्या कि वो आदमी आपको डिस्कार्ड कर देगा। जैसे कि कई यहां पे मेरे पास लोग कमेंट करते हैं कि हमने आपकी बातें सुनी, हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, और आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद हमने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन दोस्तों ने मेरे को धिक्कारा और मेरा मजाक उड़ाया कि ये देखो बाबा बनने चला है। और यही मेरे दोस्तों के साथ भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि लैम्बोर्गिनी मिल जाए, रेंज रोवर मिल जाए, अगर 2 लाख रुपए सैलरी मिल जाए तो मुझे कोई सच्चा प्यार करने वाली कोई स्त्री मिल जाए तो मुझे एक बहुत ही सुख की अनुभूति का एहसास होगा। ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो दुनिया के साथ है। पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, बरकत, दौलत, धन, ये जितनी भी चीजें हैं ये लोगों को आकर्षित करती हैं। पावर, दे आर ऑलवेज गोइंग फॉर द पावर। चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, उसको पूजा ही जाता है इसी वजह से, क्योंकि पावर है उसके पास। चाहे वो कोई भगवान हो, उसको भी इसी वजह से पूजा जाता है, क्योंकि उसके पास पावर है। वो 2 मिनट में छड़ी घुमाएगा और आपकी वासनाएं पूरी कर देगा, या आपकी कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही होगी उसका समाधान, उसका जो निष्कर्ष है वो निकालेगा। माइनस द पावर, वाई वुड यू प्रेज द गॉड? माइनस द पावर, वाई वुड यू गो टू द टेम्पल्स? यू आर गोइंग टू द टेम्पल्स बिकॉज यू आर प्रेजिंग, यू आर वर्कशिपिंग द पावर्स। मेरे को ये एहसास हुआ जब मैं ऑलमोस्ट 23 साल का था, आज से 7-8 साल पहले, अभी तो मैं 30 का हूं, कि मैंने सच्चा प्यार ढूंढा, लड़कियों के चक्कर में पड़ा, उनसे प्यार किया, धोखाधड़ी हुई, किसी ऑब्वियसली किसी और के साथ, कास्ट मैच नहीं कर रही थी, किसी और के साथ चली गई, फिर एक लड़की मिली जो मेरी सपनों की राजकुमारी थी, जैसा मैं चाहता था एकदम वैसी थी। उसके साथ जब मैं रहा तो मुझे कुछ ऐसे एहसास हुए कि मैं अभी भी वो जो खालीपन है वो एंटर नहीं हो पा रहा है, वो हो नहीं पा रहा, वो समझ नहीं, वो जो भर नहीं पा रही, वो स्पेस भर नहीं पा रहा है। और दूसरी चीज ये भी देखी मैंने कि ज्यादा जब आप किसी के साथ संभोग करते हैं तो आपको दूसरी महिलाएं, दूसरी जो स्त्रियां हैं वो आकर्षित करने लगती हैं। ये सब चीजें मैंने नोट करना चालू किया, अपने सिस्टम में देखना चालू किया। दोस्तों, जो पहला चरण है स्पिरिचुअलिटी का वो ही लोग गलत ले लेते हैं। पहला चरण आत्मज्ञान नहीं है, पहला चरण साधना नहीं है, पहला चरण है भोग। जब आपको ये पता चल जाता है कि सच्चे प्यार में कुछ नहीं है, उसके लिए आपको गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी। जब आपको पता चल जाता है पैसे में कुछ नहीं है, धन में कुछ नहीं है, पद में कुछ नहीं है, प्रतिष्ठा में कुछ नहीं, सम्मान में कुछ नहीं है, यश में कुछ नहीं है, बरकत में कुछ नहीं है, शोहरत में कुछ नहीं है, तब आपको समझ में आता है कि हाँ अब कहां कुछ है। लोग आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं क्योंकि उनको ऑफिस की टेंशन है। लोग आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उनका उनको कुछ बनना था, आईएएस आईपीएस यूपीएससी क्रैक करना था, वो कर नहीं पा रहा, उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। लोग आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को सच्चा प्यार नहीं मिला, उनके सपने पूरे नहीं हुए, तो उस वजह से उस स्ट्रेस का निवारण निकाल रहे हैं, या तो वो साधना से निकालेंगे या तो वो आत्मज्ञान से निकालेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं, 3 स्टेप बताऊंगा आपको। सबसे पहला होता है भोग। किसी भी वासना का निवारण करने के लिए, किसी भी वासना यानी जो बर्निंग डिजायर्स हैं, जैसे मुझे सिंगर बनना था, कुछ भी है, अभी भी हूं, अभी मैं शोज करता हूं, ऑलमोस्ट हमारे डेली शोज होते हैं,
इनकम नहीं बताऊंगा, बट समझ लीजिए कि हो रहे हैं, खुद ही करा, खुद ही अपना इवेंट कंपनी ग्रो करी, खुद ही किया सब कुछ, क्या उससे फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मैं एक बात बता रहा हूं कि मैं अपनी वासना को व्यक्त कर पाया, जब मैं उसको व्यक्त कर पाया, अपने बर्निंग डिजायर्स को इजैकुलेट कर पाया सिस्टम से, इजेक्ट कर पाया सिस्टम से, अब नई वासना ना बने इसके लिए क्या करें? क्योंकि आज मैंने ये बन गया, अब मुझे कुछ और बनना है, पर क्यों बनना है? क्योंकि उसकी पूर्ति, मुझे अपने मन को भरना है। ठीक है, पहला जो चरण है दोस्तों वो भोग है। आपके अंदर वासनाएं पड़ी पड़ी है, सिंगर बनने की, आर्टिस्ट बनने की, म्यूजिशियन बनने की, एक्टर बनने की, आईएएस आईपीएस क्रैक करने की, बैंक की नौकरी है, सच्चा प्यार चाहिए, सेक्स चाहिए, ये सब वासनाएं होती हैं। इन वासनाओं को व्यक्त करें। अब क्या सारी वासनाएं व्यक्त हो सकती हैं? नहीं हो सकती। लेकिन आप किसी भी स्त्री से, अगर अगर एक उदाहरण लेते हैं, आपको कोई स्त्री चाहिए सच्चा प्यार करने वाली, एक लड़की से प्यार हो गया, उससे वो सारी उपलब्धियां हो गई जो आपको चाहिए थी, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो मानसिक हो, फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल, हो गया ना? अब हो गया, अब आपको अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा किसी से प्यार कर लो, दोबारा कर लो, 3 बार कर लो, अब चौथी पांचवी बार अगर आप पूरी जिंदगी 400-500 बार यही करते जा रहे हो तो हम बेवकूफ हो। लोग कहते हैं, आप कहते हो वासना को व्यक्त करें, तो क्या मतलब प्राइवेट जेट भी खरीद लें? नहीं, साइकिल खरीदो, बाइक खरीदो, एक छोटी सी कार खरीद लो, प्राइवेट जेट खरीदने की जरूरत नहीं है। आपकी वासना निकल आई, आपकी वासना प्राइवेट जेट नहीं है, आपकी वासना यात्रा है। प्राइवेट जेट तो माध्यम है। अगर आपको उड़ने का इतना ही शौक है तो फ्लाइट कर लो, 250-2500-3000 में आजकल फ्लाइटें आ जाती हैं, आप वो कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चक्कर है। पैसा आपने कमाया नहीं, प्रॉब्लम इतनी सारी आपके अंदर है, वो प्रॉब्लम का निवारण आप ढूंढ रहे हो बिना ये जाने कि संसार में सुख नहीं है। आप आत्मज्ञान या साधना जैसे मार्गों पर चलने लगते हो, ये एक बहुत ही बड़ी मूर्खता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग आत्मज्ञानी, सो कॉल्ड आत्मज्ञान अपने आप को बताते तो हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड में उनको अंदर वासनाएं पड़ी होती हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और वो अनिवार्यता बनी पड़ी रहती है। जैसे मैं भी काम करता हूं, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसे टी शर्ट, ऐसे उठाया छोड़ दिया जब चाहे तब। अभी आपके साथ जो वासनाएं, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, वो आपको पकड़ के बैठी होगी। तो पहला जो पार्ट है, पहला जो चरण है स्पिरिचुअलिटी का, वो भोग है। मतलब भोगो, जो करना है वो करो। आपको सिगरेट पीनी है, आप सिगरेट पियो, दारू पीनी है, दारू पियो, निकालो सिस्टम से, बाहर निकालो। अब इसको कब तक करते रहो, क्या हमेशा करते हो? नहीं, 2-3-4 बार 6 बार 7 बार कर लो मैक्सिमम। 2-3-4 बार में समझ में आ जाता है, आप इतना कर लो, एक सच्ची लड़की को ढूंढ लो, प्यार कर लिया, आप समझ में आ गए, आपको बस इतना समझ में आ जाए कि संसार में सुख नहीं है। ये जो माया है, जो सो कॉल्ड, जो कोई सामने है, वो आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ, वो पता चल जाए कि हाँ, वो जो पास बुला रहा है वो बेवकूफ बना रहा है। अभी आपको जो कुछ भी इंस्टाग्राम पे सबको दिखाया जाता है, एक लाइफ दिखाई जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, चाहे आप सफल हो चाहे नहीं हो, चाहे आप शादी हो आपकी चाहे ना हो, चाहे आप कुछ भी हो, कुछ भी आपकी उपलब्धियां हो, ना संसार को कभी फर्क पड़ा था, ना है और ना ही पड़ेगा। संसार को कोई मतलब नहीं है आपसे। वो तो 2-3-4 दिन की बातें होती कि यूपीएससी क्रैक कर लिया, आईएएस बन गया, बैंक की नौकरी लग गई, अरे 2-3-4 की बातें होती, वो देखो उनका लड़का कर रहा है, कभी एक महीने में एक बार किसी की बात हो, देखो उनका पांडे जी का लड़का जो है वो निकल गया सरकारी नौकरी में, कभी एक बार बात हो गई, उससे क्या होगा? उसमें रस खत्म हो जाए, 4-5 दिन बाद आपका रस खत्म हो जाता है हर चीज में। ये थोड़ा समझने की कोशिश करें, अगर इस चीज का स्पर्श है, इस चीज का बोध है, बोध ये, अब ये, अब आप कहते हो मैं साइंटिस्ट हूं, इसको मैं बोध मैं ऑब्जर्व कर, ये ऑब्जर्व नहीं करना है, मन में क्या है, मन में ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे पीक ऑफ प्लेजर है वहीं पे पीक ऑफ एंगर है। कोई लड़की का अगर नाड़ा नहीं टूट रहा है सेक्स करते वक्त, तो आप नाड़ा तोड़ देते हो। डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है शराब पीने के बाद ज्यादा हो रहा है। जहां पे पीक ऑफ प्लेजर है वहीं पे पीक ऑफ एंगर है। क्या इस चीज का बोध है तुम्हें? आप पूछोगे ये सब आपने कहां से पढ़ा? मैंने अपने सिस्टम में देखा है। मेरी कोई भी बातें, मैक्सिमम जो बातें होंगी वो मेरी खुद की है, जो भी उदाहरण होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सीख रहा हूं, स्पर्श कर रहा हूं, बोध कर रहा हूं। पहला चरण स्पिरिचुअलिटी का भोग है। भोगो, जाओ ढूंढो, नहीं मिल रहा है सच्चा प्यार तो। अगर योगा में कुछ करना चाहते हो योगा में करो, संगीत में कुछ करना चाहते हो संगीत में करो। और संगीत में करने का मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे बॉलीवुड में जाना है, बॉलीवुड, इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड। अब मैं मेरे अंदर भी वासनाएं थी लेकिन मैंने यूट्यूब से व्यक्त करी। ठीक है, आप भी करो,
अगर गाने का मन है तो जाओ कहीं फ्री में गाओ, आपको निकलेगा, आपके सिस्टम से वो निकलेगा, आपको सिस्टम में निकालना है। अब सिस्टम नहीं, निकल गया, अब खाली हो गए, अब अगर आपके जीवन में आत्मज्ञान नहीं है तो दोबारा साइकिल रिपीट हो जाए, कुछ नया बन जाएगा। आज ये बिजनेस है, कल वो बिजनेस है, आज ये प्लेजर है, कल वो प्लेजर है, आज सिगरेट है, कल गांजा है, कल गांजा है तो परसों कोकेन है। वैरायटी आ जाएगी, वैरायटी आ जाएगी। इस वैरायटी से बाहर आने के लिए दोस्तों मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अब आएगा दूसरा चरण। पहला चरण क्या था? भोग। ये भोग जरूरी है क्योंकि डिजायर को आत्मज्ञान से नहीं काटा जा सकता है, नए डिजायर ना बने इसलिए आत्मज्ञान है। पुरानी वासनाएं, पुराने डिजायर्स, पुराने बर्निंग सेंसेशंस, बर्निंग डिजायर जो पड़ी हुई है, व्यक्त होना चाहती है, उसको सिस्टम से बाहर निकलना है। वो सिस्टम से बाहर नहीं निकलेगी तो साधना करते रहो, चाहे आत्मज्ञान प्राप्त करते रहो, उपनिषद पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड यूट्यूब गुरुज हैं वो तुमको ये नहीं बता पाएंगे, जाके खुद देखो। मेरे को क्वेश्चन करने से पहले किसी और गुरु को क्वेश्चन कर, बोलते हैं आपको सुने उनको सुने, सब तो अलग अलग बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि सीखते कैसे, आपको यही नहीं पता सीखते कैसे। आपको सुने उनको सुने, आपको सुने उनको सुने, अरे दोनों को सुनो, अप्लाई करो, देखो कि कहां समझ में आ रहा है। एवरी गुरु क्रिएट्स अ फॉलो अप प्रॉब्लम, आई अटैक ऑन दोज फॉलो अप प्रॉब्लम्स। आई हैव अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जहां पे आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे होता। पहला जो भोग है, चरण चरण जो है वो भोग है। अगर आप भोगोगे नहीं तो डिजायर सिस्टम से बाहर निकलेगा नहीं। अब जो दूसरा चरण आता है वो है साधना, और तीसरा चरण जो है वो आत्मज्ञान है। अब हम ये पार्ट वन इसको यहां पे समराइज करेंगे। इससे रिलेटेड कोई फॉलो अप क्वेश्चन है, कुछ फॉलो अप प्रश्न है तो उनको आप नीचे व्यक्त कर सकते हैं। और जो मेरी बातें हैं, मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं करता हूं, मैं सबकी इज्जत करता हूं। कंटेंट पे क्वेश्चन होता है, आदमी पे नहीं, व्यक्ति पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बड़ा गुरु है यूट्यूब का, उसमें मैं क्वेश्चन नहीं करता। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा कहने का मतलब है, इज समथिंग कॉल्ड एज प्रत्यक्ष प्रमाण। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द रियालिटी एज इट इज, यू हैव टू सी द रियालिटी। फॉलो मी, फॉलो समबडी एल्स, सी इफ दे आर। आप वो कह रहा आत्मज्ञान के रास्ते पे चलो, देखो आप चल पा रहे हो, आपके जीवन में स्ट्रेस खत्म हुआ, आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित हो रहा है, तो करो फॉलोअप करो। और अगर आप कहोगे नहीं नहीं मैंने इनको फॉलोअप किया, कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसा ही जीवन है, हाँ बंदा अच्छा है लेकिन जीवन अच्छा है, तो अब आपको दूसरा फ्रेमवर्क चाहिए, एक नया सोल्यूशन चाहिए आपको। आपके प्रॉब्लम क्या है ना, आपको यूपीएससी क्रैक करना था, आप वो हो नहीं पाया, उसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती है, डिप्रेशन आता है, उसकी वजह से आपको एक आदमी को सुनते हो हम आत्मज्ञान बना देंगे आपको। आत्मज्ञान से भी कुछ नहीं होने वाला, आत्मज्ञान एग्जिस्टिंग वासनाओं को इरेज नहीं करता है। वो एग्जिस्टिंग वासनाएं व्यक्त होनी चाहिए जिससे आदमी को रियलिटी दिखे कि मुझे अरिजीत सिंह बनना है, मुझे माइकल जैक्सन बनना है, मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, जो कुछ बनना है, एक बार मैं किसी पद पे आके देख पाऊं उसकी रियलिटी क्या है, वहां पे पहुंच के कैसा फील होता है, क्या बोध होता है, तब आपको समझ में आएगा अरे यार यहां तो कुछ नहीं पड़ा हुआ है। तो वो चीज कट्टम लग जाएगा, उस पर क्रॉस लग जाएगा। लेकिन अब आप बैठे बैठे सोचते हो मेरा यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो एक काम करता हूं, इन्होंने आत्मज्ञान बोला है तो इनके पास चला जाऊंगा, क्यों उससे मेरा जीवन में सुख आ जाएगा, नहीं आएगा। इसी वजह से साधना काम नहीं करती तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम साधना कर रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर वासनाएं भरी पड़ी है। वासना कुछ बड़ा करने की, वासना सच्चे प्यार की, वासना सेक्स करने की, वासना ये करने की, यात्रा करने की, वासना कुछ बनने की, कोई सम्मान पाने की, कोई पद पाने की, तुम्हारे अंदर वासनाएं पड़ी पड़ी हैं। इन वासनाओं को निकालो, ये वासनाएं जब निकलेंगी इसको भोग बोलते हैं, भोग करो। पहला चरण स्पिरिचुअलिटी का साधना नहीं है, पहला चरण आत्मज्ञान नहीं है, उपनिषद को पढ़ना नहीं है, पहला चरण है भोग। अब जब भोग कर लिया, सिस्टम खाली हो गया, तो अब दोबारा वासनाएं ना बने उसके लिए क्या करें, साधना, आत्मज्ञान करें। लेकिन आत्मज्ञान को हासिल करने के लिए साधना करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ध्यान टिकेगा तभी तो आत्मज्ञान पढ़ पाओगे, जब ध्यान ही नहीं टिकेगा तो ग्रॉस से सटल की तरफ देखोगे कैसे। इसके ऊपर हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे। इसके ऊपर कोई फॉलो प्रश्न है आपके तो उसको नीचे पूछें। अगर प्रश्न आपके अच्छे हैं, इज्जत है उन प्रश्नों में, तो मैं उन प्रश्न में जरूर आपका जो जो मेरा निष्कर्ष है
उन प्रश्नों का, उन प्रश्नों का जो उत्तर है मैं अगले वीडियो में जरूर कवर अप करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, इज्जत रखो, कोई किसी को आपको दे रहा, कोई गलत बोल रहा, सही बोलो बात अलग है, इज्जत से बात करिए हमेशा, तभी आपको कोई एंटरटेन करेगा। अगर आप बदतमीजी करोगे तो फिर कैसे कोई करेगा। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो है साधना, इसको हम जल्दी से लेके आएंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।